तो गाइज यार कभी कभी होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सस्ते देख करके हमें सोचते हैं कि चीज़ें काफ़ी सस्ते में मिल रही हैं तो हमें इसे परचेज कर लेना चाहिए या फिर अदरवाइज हम परचेज कर ही लेते हैं। तो यार ऐसे में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ परचेज कर लेते हैं सस्ते में तो वो जो चीज़ है ना वो कुछ दिन तक तो अच्छी चलती है बट बाद में उसका जो रिजल्ट होता है वो यार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है जितना कि वो नया था तो कर रहा था। तो ऐसे में अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से हो जाती है तो यार बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हो जाता है कि यार फर्जी जो है मैंने सस्ते में ये चीज़ क्यों खरीद ली, बहुत ज़्यादा गिल्ट अपने आप को महसूस होता है, हम गिल्ट महसूस करते हैं। तो गाइस यार ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है, सभी लोग यहाँ पे जो बिग बिलियन डे की सेल थी अमेजोन पर, जो सेल चल रही है दीपावली की सेल चल रही है फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, तो उसमें क्या कर दिया है फ्लिपकार्ट में जो एसर स्पायर कोर i5 10 जनरेशन का जो ये लैपटॉप है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे 49,990 रुपीज़ रख दी है, और बल्कि यार इतना ज़्यादा इसको सस्ता कर दिया है उस तरीके से 55,000 में इसको ये मतलब कि सेल होता था, और जब से ये 40,000 का आया है, जब से ये 50,000 का हुआ है सॉरी जब से ये 50,000 का हुआ है तब से यार इतना ज़्यादा ही परचेज हुआ, इतना ज़्यादा ही परचेज हुआ। फ्लिपकार्ट पर मैं जानता था कि 250 लोगों ने इसको रेट किया था, 250 लोगों ने इसको रिव्यू किया था, बट यहाँ पे अभी जा करके देखोगे तो लगभग 4,500 के आसपास इसकी रेटिंग जो है वो हो चुकी है। तो यार गाइस यार मैंने देखा कि ये लैपटॉप इतना ज़्यादा बिक रहा है, तो यार इसको मैंने भी खुद भी परचेज कर लिया कि काफ़ी लोगों ने ले रहा है तो शायद अच्छा ही होगा। बट यहाँ पे जब मैंने इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू देखा, मैंने यहाँ पे मुझे इसको लिए हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं, लगभग 20 डेज़ के अराउंड हो चुका है। तो यार मैंने इसको इसका जो लॉन्ग टर्म रिव्यू है वो यार आपको इसके साथ यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला इस प्राइस पॉइंट में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 50,000 रुपये में आपको ये जो लैपटॉप है एकदम वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। तो यार मैं आपको लैपटॉप अपना दिखा दूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरा लैपटॉप है एसर का एस्पायर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास खुद है, तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। तो यार इसमें मुझे वैल्यू फॉर मनी मिली या फिर नहीं तो यार आपको इस वीडियो में पता लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार अगर मैं आपकी प्रॉस की इसकी बात करूँ तो गाइज यहाँ पे आपको अगर आप 50,000 रुपीज़ किसी भी लैपटॉप पर इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी का लैपटॉप यहाँ पे लेते हैं, जो स्पेसिफिकेशन जो भी चीज़ें ऐसा यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है 50,000 रुपये में, वो आपको कोई भी अदर ब्रांड्स की तरफ से आपको नहीं देखने को मिलता है सबसे पहली बात। तो गाइज यार कोई भी कंपनी जो होती है वो अपनी तरफ से अपनी जेब से पैसा लगा करके नहीं देती है, वो सारा कुछ प्रोडक्ट में वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं, सारा कुछ प्रोडक्ट से आउटपुट ले लिया जाता है। तो यहाँ पे भले ही ऐसा 50,000 रुपये का इसको बेच रहा है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे इसने कमियाँ करी होंगी। तो यार आपको अब आइए मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको इसके कौनस क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो गाइज यार ये रहा मेरा लैपटॉप जो कि एसर स्पायर 5 है, कोर i5 10 जनरेशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज यार ये जो लैपटॉप है ना इसमें मुझे जो कौनस देखने को मिले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो गाइज जो सबसे पहले मुझे इसका कौनस ये लगा कि एसर ने यहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। गाइज ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, भारी है बहुत ज़्यादा है, और बल्कि लेकिन ये अगर आप इसको वन हैंड से उठाते हैं तो आप उठा भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा ये भारी है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो यार उस हिसाब से नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, ये जो आपको वीडियो में नहीं दिखेगा बट यहाँ पे आप थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं ना तो ये यार ये दब जाता है। इसकी सबसे पहले इसकी ये ख़राबी मुझे ज़्यादा यहाँ पे लगी। और यहाँ पे एसर को यहाँ पे ऊपर की साइड तो यहाँ पे एल्यूमिनियम देना था लेकिन फिर भी यहाँ पे एसर ने आपको प्लास्टिक बिल्ड ही दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक बिल्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इसको यार एकदम चीप सा लुक आता है इसका कुछ दिन के बाद। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो एसर का जो ये वाला पोर्शन है ना इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये भी चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी एसर की। यार एसर को बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए था। तो यार ये इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये प्लास्टिक बहुत ही चीप क्वालिटी का यूज़ किया गया है सबसे पहली बात। तो यार ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी। और गाइज यहाँ पे बैक की बात करते हैं तो बैक में भी यहाँ पे मुझे दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैड लगी। पहली बात तो एसर ने यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे होल्स दे रखे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो धूल मिट्टी होती है वो ज़्यादा यहाँ पे अंदर जाती है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे विंड बाहर निकलने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है बट यहाँ पे और सभी ब्रांड्स को मैंने देखा है कि वो जो विंड्स निकलने के लिए यहाँ पे साइड में यहाँ पे देते हैं और यहाँ इधर इस साइड में देते हैं और पीछे की साइड भी दे देते हैं बट यहाँ पे जो इतना ज़्यादा यहाँ पे खुला नहीं रहता है। बट यहाँ पे चलिए इसकी कोई बात नहीं है और बैक साइड का भी प्लास्टिक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो इसका
जो बिल्ड क्वालिटी है यार ये मुझे बिल्कुल ही ख़राब लगी। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर आप इसको एक जगह रख देंगे और अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं तो आप इसको कैरी नहीं कर पाएंगे इजीली। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे इसका एक मुझे गंदी बात इसकी ये लगी कि जो यहाँ पे आपको बैकलिट मिलती है वो यहाँ पे वाइट कलर की मिलती है। यहाँ पे आरजीबी नहीं दी गई है, आरजीबी लाइट्स नहीं दी गई हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब लगती हैं। तो आरजीबी लाइट्स इसमें होनी चाहिए थी, आरजीबी लाइट्स भी एसर ने नहीं दी हैं। लगभग सभी गेमिंग लैपटॉप में आरजीबी लाइट्स होती हैं, इसमें आरजीबी नहीं दी गई हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं और गाइज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इसमें आपको इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट भी देखने को नहीं मिलता है। तो यार ये चीज़ें इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको फिर से इसमें सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको सब्सक्रिप्शन इनका ख़रीदना पड़ेगा, इसी तभी इनका जो माइक्रोसॉफ्ट है आप इसको चला पाएंगे। इसमें ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी। और गाइस बता दूं कि इसमें जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं, इसके जो कीबोर्ड की क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी अच्छी लगी, ठीक ठाक है, बट हाँ यार उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। और ये सब चीज़ें इसमें कुछ ख़राबी थी। और गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि इसकी जो स्क्रीन है ना वो यार ये इतनी मतलब उतनी अच्छी नहीं है, कलर ब्लीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो कलर है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि अदर मेरे पास एक HP का लैपटॉप था उसका जो वो बल्कि 2 से 3 साल पुराना है, बट उसका जो उसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो यार ये सब चीज़ें इसकी कौन सी, तो यार मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो ऐसा ने यहाँ पर कंप्रोमाइज़ किया है। गाइज अगर आप जो चीज़ें मैंने बताई अगर अब आपको वो चीज़ें यूज़ में नहीं लेनी है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर आपके लिए कैरी करना और बिल्ड क्वालिटी अच्छी होना अगर आपके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप इस लैपटॉप की तरफ मत जाइए, आप किसी और ब्रांड का लैपटॉप देख सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप एसर एस्पायर की तरफ जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, आप इसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है आप उसको दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर देना बिकॉज मिलते रहे आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो गाइस चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।